अ वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों देखिए, आज हम स्टार्ट करते हैं। ये आपका फोर्थ चैप्टर है, इसका हाफ पार्ट रह गया था, रीसाइजिंग रिज्यूम द पिक्चर। ठीक है, तो कैसे हम रीसाइज कर सकते हैं पिक्चर को, देखिए ये है पहले रोटेट करने का। देखिए रोटेट वाला हमने पढ़ा था, कैसे हम इसको रोटेट कर पाएंगे। क्लिक ऑन रोटेट ऑप्शन इन द इमेज ग्रुप और ड्रॉप डाउन मेन्यू विल अपीयर। जब भी आप रोटेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन जो मेन्यू है वो अपीयर हो जाएगा। क्लिक ऑन वन ऑफ द रोटेट ऑप्शन इफ वी वांट टू रोटेट द पिक्चर। ठीक है, आप उसमें से किसी एक पे रोटेट पिक्चर पे क्लिक करें तो वो मेन्यू जो है वो अपीयर हो जाएगा। क्लिक ऑन वन ऑफ द फ्लिप ऑप्शन इफ वी वांट टू फ्लिप द पिक्चर्स। ये देखिए रोटेट हो रहे हैं, ओरिजिनल है ये रोटेट है, 90 डिग्री पे है, ये 90 डिग्री लेफ्ट से है, ये 180 डिग्री लेफ्ट से है, मतलब ऐसे ऐसे करके वो चीज़ें रोटेट होती होती आएंगी। आपको जिस एंगल में चाहिए आप उसको इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट है देखिए रीसाइजिंग, द साइज ऑफ द पिक्चर कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज। जो साइज होता है ना पिक्चर का बच्चों, आप उसे इंक्रीज भी कर सकते हो और आप उसको डिक्रीज भी कर सकते हो। डिक्रीज होता है कम करना, इंक्रीज होता है बढ़ाना। ठीक है, आप उसे वर्टिकली और ऑरिजेंटली कर सकते हो। सेलेक्ट द ड्रॉइंग बाय कवरिंग इट्स बाउंड्रीज यूजिंग सेलेक्ट टूल्स। सबसे पहले आप उसे ड्रॉइंग कवरिंग द बाउंड्रीज सेलेक्ट टूल्स, पहले आप इसमें से सेलेक्ट करें टूल्स, फिर उसके बाद से आप रीसाइज जो ऑप्शन होता है इमेज ग्रुप में जाके होम टैब पे आप उसे सेलेक्ट करें, फिर उसे स्पेसिफाई द रीसाइज एंड परसेंटेज ऑफ पिक्सल्स एंड स्क्यू इन डिग्री फॉर बोथ ओरिजेंटल एंड वर्टिकल इन द रिस्पेक्टिव बॉक्स। फिर आप उसमें से चूज करें और फिर अपनी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जो भी आपको चाहिए कि आपको 90 डिग्री ऐसे एंगल पे चाहिए या ऐसे एंगल पे चाहिए, आप अपनी अकॉर्डिंग उसको आप क्लिक करके ओके कर दें। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आते हैं हम डिलीटिंग अ पिक्चर, कि पिक्चर्स को हमें कैसे डिलीट कर पाते हैं, हमें कैसे डिलीट करते हैं। तो देखिए द सेलेक्ट टूल्स ऑल्सो हैज डिलीट ऑप्शन, जो आपने सेलेक्ट किया है उसका डिलीट ऑप्शन भी होता है कि अगर आपको पिक्चर नहीं चाहिए तो आप उसे डिलीट भी कर पाते हैं। This option is used to remove the selecting parts of the picture from the drawing area as shown below. Select on drop down arrow. सबसे पहले आप drop down जो arrow होता है उसे आप select करें, click करें। Under select option choose a selection. Select the part of the picture. आप उसमें picture का जो part है वो आप select करें। We want to remove जो कि आप remove करना चाहते हैं, जो कि आप हटाना चाहते हैं। अगेन क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो, फिर आप दोबारा से ड्रॉप डाउन जो एरो है उस पर क्लिक करें। अंडर सेलेक्ट ऑप्शन एंड क्लिक ऑन द डिलीट ऑप्शन, फिर आप डिलीट ऑप्शन पे क्लिक कर दें टू डिलीट द सेलेक्टेड पार्ट, जो भी आपने सेलेक्ट किया है उसको आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जो भी आपने सेलेक्ट कर लिया ऐसा नहीं है कि वो कभी डिलीट नहीं हो पाएगा, उसे आप इजीली डिलीट कर पाते हैं। नेक्स्ट है बच्चों देखिए हम पढ़ते हैं, द पेंट इज एन इम्पॉर्टेंट एसेसरीज प्रोवाइडेड बाय द विंडोज वेयर यू कैन शो योर इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। जो पेंट होती है वो इम्पॉर्टेंट एसेसरीज होती है जो कि प्रोवाइड की जाती है विंडोज़ के द्वारा, जहाँ पे आप अपनी इमेजिनेशन जो भी आपकी कल्पनाएँ होती हैं और क्रिएटिविटी होती है वो आप इजीली कर पाते हैं। द पेंसिल टूल इज यूज टू क्रिएट पर्सनल ड्रॉइंग। पेंसिल टूल का यूज़ जो है वो हम कैसे करते हैं, पर्सनल ड्रॉइंग के लिए, ड्रॉ फ्री हैंड्स के लिए। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर जो सिलेक्शन होता है इज यूज टू सेलेक्ट द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द इमेज। इसमें पर्टिकुलर पार्ट जो इमेज की जो पर्टिकुलर पार्ट होता है उसमें उसे आप डिफरेंट शेप में सेलेक्ट कर सकते हो और उसे डिफरेंट शेप्स दे सकते हो। नेक्स्ट है द कॉपी कमांड इज यूज टू मेक डुप्लीकेट कॉपी। कॉपी कमांड का यूज़ हम कब करते हैं, जब हमें उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनानी होती है। अब पिक्चर कैन बी रोटेटेड, जो पिक्चर है उसे आप रोटेट कर सकते हो ओरिजेंटली और वर्टिकली बाय सम डिग्रीज ऑफ एन एंगल, कि आप किसी भी डिग्री पे उसे ओरिजेंटली या फिर वर्टिकली आप उसको किसी भी एंगल पे रोटेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर बच्चों। हम इसका जो देखिए एक्सरसाइज वाला पार्ट है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन आपके लिए देखिए होमवर्क है, इसमें आपको ये देखिए ये बनानी है अपनी कॉपी में। ठीक है, और इसमें आपको क्या करना है, राइट द नेम्स ऑफ टूल्स इन पेंट। आपको ये इमेज बना के और इसमें देखिए ये शेप दी हुई है ना, तो आप ये कौन सी शेप से बना सकते हैं ये आपको यहाँ पे नाम लिखने हैं। जैसे कि देखिए मून है ना,
मून आप कैसी, कौन सी उसकी शेप में बना सकते हैं, माउंटेन्स हैं, कौन से टूल से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। और ये आपको सर्च भी करने की कोशिश करनी है, इसके राइट आंसर जो होंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में कराए जाएंगे, ठीक है, ताकि आपको पता चल पाए कि आपने कितना पढ़ा है और आपको कितना समझ में आए, ठीक है बच्चों। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।